या मास टू के डिस्प्लेस फ्रॉम जीरो टू वाई वर्क डन इन दिस प्रोसेस। देखो पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स है, तो अब ऐसे केस में वर्क डन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होता है बोलो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो एफ डॉट डी एक्स फोर्स की वैल्यू डालो 7 - 2x और +3x का स्क्वायर और डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का लिमिट चाहिए 0 to 5। ठीक है, 0 to 5, तो 0 to 5 दिस इज द वर्क डन। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 7x और -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये लिमिट गया 0 to 5। ठीक है, तो 0 to 5 पे पूरा लिमिट डाल दो तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ने 2 को, 3 ने 3 को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो 5 और 5 लिमिट रखोगे तो 5x की प्लेस पे 5 रखोगे तो 7 35 35 होता ना, तो ये 35 और माइनस और ए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये रखोगे तो ये 125। ठीक है, तो 125 और 55। ठीक है ना, तो 125 और ये 30 60 और 60 में 25 135 जूल, दैट इज वर्क डन। ठीक है ना, तो वर्क डन आ जाएगा 135 जूल, जो कि ए ऑप्शन सही है। और ऐसा क्वेश्चन काफी बार किए हो, आसान था।